हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हो गया है और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक चैप्टर हो गया है। आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, हम प्लेलिस्ट भी बना के उसमें डाल देंगे, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेरी हो आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड लोगों को अपने शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से है ये वाला स्ट्रक्चर, इस पूरा हो गया है नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से देखते हैं ये किसका है। ये जब सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी, ओवरी को जब सेक्शन काटा जाता है पतला पतला स्लाइड, और उसको माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही इतना बढ़िया क्लियर स्ट्रक्चर दिखेगा। सबसे अच्छा अगर आपके एग्जाम में आए माइक्रोस्कोप के बारे में, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बहुत अच्छा, बहुत क्लियर स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है ना। तो जब ये स्ट्रक्चर देखा गया, तो वहां पे यहाँ क्या दिखा, ब्लड की वेसल्स दिखी। ये देखिए ब्लड की वेसल्स, क्योंकि यहाँ ब्लड सप्लाई जरूरी होता है, तो यहाँ ब्लड की वेसल्स है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल, सबसे पहले क्या बनता है, जो छोटी साइज की है उसको प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। फिर यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल भी बनता है, उससे बड़ा जो सेकेंडरी फॉलिकल, और जो बड़ा होता है उसको टर्शरी फॉलिकल, क्योंकि ये बड़ा होता जा रहा है। और एकदम फाइनल लास्ट में जो बन गया वो क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल। फाइनल लास्ट वाला स्टेज को क्या बोलते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल, सबसे लास्ट में होता है। अब यही ग्रेफियन फॉलिकल जब रप्चर हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो यहीं से इसी के अंदर ओवम होता है। क्या होता है? ओवम होता है, जिसको एग कहते हैं फीमेल का, इसके अंदर होता है। फिर ओवम क्या होता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद। ये क्या होता है, प्रोसेस होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उसके बाद ये प्रोसेस होता है। यहाँ पे फिर क्या है, कार्पस ल्यूटियम। अब जब ये रप्चर्ड हो गया, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बना उसको क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम। रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल को ही क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम। इसी सेम यही वर्ड आपके एग्जाम के जो ऑप्शन रहेगा उसमें रखा रहेगा कि ग्रेफियन फॉलिकल क्या, कार्पस ल्यूटियम क्या है, तो रप्चर्ड मतलब ब्रेक, ब्रेक हो जाता है, तो रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो देख लिया उनसे आज का मेरा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि जब मियोसिस होता है तो मेल से कितने सेल बनते हैं और फीमेल से कितना ओवा बनता है, और 1 मंथ में एक ओवरी फंक्शनल होती है या दोनों ही ओवरी फंक्शनल होती है। ये बस वही बता पाएगा जो पढ़ा होगा, जो प्रीवियस वीडियो देखा होगा, ठीक है ना। स्पर्मेटोगोनिया, जो सबसे स्टार्टिंग की सेल होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे कहाँ मियोटिक कहाँ माइटोटिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, कैसा, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है। फिर क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मतलब प्राइमरी स्पर्म की सेल बनती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, साइट मतलब सेल, स्पर्म की सेल, ठीक है, अभी फाइनल स्पर्म नहीं बना है। फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ध्यान रखिएगा कितना होता है, 1 माइटोटिक 2 मियोटिक, 1 माइटोसिस 2 मियोसिस। माइटोसिस डिवीजन को ही माइटोटिक कहते हैं, और मियोसिस को मियोटिक कहते हैं। दोनों का मतलब इस तरह से आप नाम याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, फिर फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में भी मियोटिक डिवीजन होगा, स्पर्मेटिड बनेगा। फिर अब ये स्पर्मेटिड की सेल डिफरेंशिएट कर जाएगी और फाइनली स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म की सेल बनेगी। किसकी सेल बनेगी, स्पर्म की सेल बनेगी। कैसी होती है, स्पून शेप होती है, जैसे चम्मच नहीं होता है तो ऐसे चम्मच के शेप का होता है, तो खाने वाला चम्मच नहीं है, ये स्पर्म है, बस उसका स्ट्रक्चर स्पून शेप होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्रोमोजोम्स नंबर पर सेल्स, पर सेल्स में आपको क्रोमोजोम नंबर ध्यान रखना है। जो उस पर मेटोगोनिया की सेल है, नीट का और सारे बायोलॉजी के एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि इस पर मेटोगोनिया में क्रोमोजोम नंबर कितना होता है, अक्सर हम हैप्लॉइड समझ के, ये ध्यान रखिए 2m है, कैसा है ये 2m है, तो हम हैप्लॉइड समझ के इसमें क्या लगा देते हैं कि 23, जबकि इसमें कितना होता है 46, 46, क्योंकि ये 2n होता है। उसके बाद
देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ से यहाँ वाले जो आपकी सेकेंडरी इस पर, इसमें भी 2n है, कितना है 46 ही है। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और क्या बना आपका, मियोटिक डिवीजन के बाद ही आधा होगा, ध्यान रखिएगा, जब मियोटिक डिवीजन हो जाएगा तभी ये आधा होगा, उसके पहले ये आधा नहीं होगा, हाफ नहीं होगा। तो सेकेंडरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 होता है, स्पर्मेटिड में 23 होता है, स्पर्मेटोजोआ में 23 होता है, बाकी इन दोनों में कितना होता है 46 होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, दिखने में छोटा सा है लेकिन हद से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आइए फीमेल का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, ओवा कैसे, ये देखिए इतना मेल का है, ठीक है, और ये सेल का जो क्रोमोसोम नंबर है ये तो दोनों का बताया है, लेकिन इधर वाला मेल का है और इधर वाला फीमेल का है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, देखिए फीटल लाइफ स्टार्टिंग का, उगोनिया की सेल हुई, सबसे पहले एक सेल है उगोनिया, उसके बाद उसमें क्या होगा था माइटोसिस डिफरेंशिएशन, प्राइमरी ओसाइट्स बना, क्योंकि ये ओवा रिलीज करने वाला है। इसमें जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है कंप्लीट प्रायर टू ओवुलेशन, ये क्या होता है फाइनली ओवुलेशन कर देता है एक ही बार में। इसमें वन माइटोसिस, देखिए ध्यान से, वन माइटोसिस वन मियोसिस हो रहा है, किसमें फीमेल में, जबकि इसमें क्या हो रहा है वन माइटोसिस टू मियोटिक, ठीक है, वन माइटोटिक टू मियोटिक डिवीजन हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्या हुआ सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट किसको बना दिया, ओवम सेल को बना दिया, किसको बना दिया ओवम सेल को बना दिया, और यहाँ पे पोलर बॉडी भी बन रही साथ में, ठीक है, क्या बन रही, फर्स्ट पोलर बॉडी और यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी, 3 to 4 पोलर बॉडी यहाँ पे बन जाती है, ठीक ना। अब ये भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत मतलब इसके बिना तो ओवम रिलीज होगा ही नहीं, मतलब ये फेज होता है फीमेल में। अब कैटल्स में भी होता है, बहुत लोग सोचते हैं कैटल्स में नहीं होता, कैटल्स में भी होता है, उसको ओएस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओएस्ट्रस साइकिल, जो कैटल्स में मतलब गाय भैंस इन सब में जानवरों में होता है, मवेशियों में होता है, उसको क्या बोलते हैं ओएस्ट्रस साइकिल, उनके अंदर क्या होती है बॉडी उनकी हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं ओएस्ट्रस साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल मंकी में होता है, ह्यूमन की फीमेल्स में होता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं ये क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज। तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज है, फॉलिकुलर फेज कब से कब तक होता है, 5th to 15th डेज होता है। मैं इस पे भी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी बहुत अच्छे से, ताकि चीजें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। प्रोलिफरेटिव फेज कितने दिन होता है, 5th to 15th डे, ठीक है। उसके बाद ल्यूटल फेज होता है, सिक्रीटरी फेज, कितने 15 to 28 डेज, ल्यूटल या सिक्रीटरी फेज होता है। और मेंस्ट्रुएशन कितने होता है, 1 to 5th डेज, ठीक है, 1 to 7 डेज भी होता है, लेकिन जनरल काउंट कितना होता है 1 to 7 डेज, 1 to 5th डेज होता है, लेकिन 1 to 7 डेज भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि वो एबनॉर्मल है। फिर यहाँ पे इनका हार्मोनल कंट्रोल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोनल कंट्रोल जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कैसे होता है, इनहिबिट्स, ये क्या है गोनाडोट्रोपिन, GnRH का मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये कहाँ गया, ये गया हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस क्या किया गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट किया, और उसके बाद कहाँ ये गया, इसका इफेक्ट एंटीरियर पिट्यूटरी में दिखा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का इफेक्ट कहाँ दिखा, एंटीरियर पिट्यूटरी में दिखा। अब एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, दो तरह के हार्मोन रिलीज करे, LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल कहाँ बना था, फीमेल के जो अभी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फीमेल का हमने देखा वहां पे फॉलिकुलर था ना, फॉलिकुलर की सेल। उसके बाद यहाँ पे क्या है लेडिक सेल, जो ह्यूमन का मेल का सेक्सुअल ऑर्गन का जो कट करके डाइसेक्शन आपने देखा था, वहां पे आपने क्या देखा था, जो टेस्टिस का हमने डाइसेक्शन देखा था प्रीवियस वीडियो में, वहां पे लेडिक की सेल थी। अब ये टेस्ट कहाँ गया, लिडिक की सेल पे, और लिडिक सेल को क्या कहेगा कि तुम टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन को क्या करो, रिलीज करो, ठीक है। अब यहाँ से टेस्टोस्टेरोन जब हार्मोन रिलीज हुआ, अब ये क्या करेगा, फाइनली स्पर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, स्पर्म रिलीज करवाएगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड अदर ऑर्गन्स, ठीक है। उसके बाद सर्टोली सेल, सर्टोली सेल कहाँ है, सर्टोली सेल है कहाँ है, ये भी मेल में ही है, फीमेल में नहीं है, मेल का हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, मेल का पढ़ रहे हैं। फिर ये क्या करेगा, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा
और यहाँ पे इनहिबिन है जो कि क्या करता है, नाम है इनहिबिन, ये एक टाइम के बाद बंद करवा देता है। फिर ये इनहिबिन जब बंद कर देगा फिर हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इसको कहेगा रिलीज करो, मतलब बंद होगा फिर चालू होगा, बंद होगा फिर चालू होगा, इस तरह से ये चीजें होती रहती हैं। ठीक है, अब है हार्मोन कंट्रोल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, मतलब कम से कम टाइम में आपको कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हम बता दें, यही हमारा टारगेट है। मेल का हमने देख लिया, फीमेल का देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यहाँ भी क्या करेगा, रिलीज करवाएगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएन। पूछा जाता है एग्जाम में जीएनआरएच का फुल फॉर्म, तो आप क्या बताएंगे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये कहाँ से सिक्रीट होता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है। कहाँ जाके काम करता है, पिट्यूटरी में काम करता है। कौन सी पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करता है। अब ये कहाँ पहुंचा, ये जो है हार्मोन रिलीज करवाएगा, जो कि कहाँ इफेक्ट करेगा, ओवरी करेगा। ओवरीज बोलेगा तुम हार्मोन रिलीज करो, कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि कहाँ काम करेगा, यूट्रस में काम करेगा। और ये सारे जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल के हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है अभी यहाँ पे आपने देखा ये किस में है, मेल में होता है। अब फीमेल में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, यहाँ पे एक लिख लीजिए एंड्रोजन। एंड्रोजन कहाँ होता है, मेल में होता है। अब फीमेल में क्या होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये कहाँ गया, यूट्रस में किया। अब यूट्रस में गया तो ओवम और बाकी चीजों के लिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इन सब के लिए ये इफेक्टिव होता है, कारगर होता है, हेल्प करता है। तो आप, हमारा वीडियो खत्म हुआ, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, कोई क्वेश्चन हो कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और हाँ अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।